शुक्रिया सर। सर जब आज वाइट पेपर दी चर्चा हो रही है तो मैं ज़रूर गल करना चाहवांगी कि पंजाब हमेशा मैनू लगता बाकी देश तो अगे रहा है जिदा नुकसान भी असी भुगते है। जब हिंदुस्तान दे किसे कोने ने आम आदमी का एक भी बंदा नहीं जताया सी 2014 विच, भावें केजरीवाल ने जाके वाराणसी तो इलेक्शन लड़ी सी लेकिन उन्होंने किसी ने मुँह नहीं लाया। उस टाइम पंजाब दे सूबे ने कल्ले लोगों ने चार उन्होंने एम पी कामयाब करते, जब बाकी हिंदुस्तान से ना हिमाचल ना गुजरात ना मध्य प्रदेश ना महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान ने इन्हों मुँह नहीं लाया तो पंजाब के 117 में 92 कामयाब करके आम आदमी की सरकार बनाती। हुण सर मैं तो कला एक वाइट पेपर देना चाहती क्योंकि कांग्रेस से करप्शन एक सिक्के दे दो पहलू ने, जिथे कांग्रेस जाऊगी करप्शन तो आप ही जाती है तो देश का इतिहास दसता है। लेकिन अज मैं देश को चेतावनी देना चाहती हाँ, वार्निंग देना चाहती हाँ कि जे थानू कांग्रेस भ्रिष्ट लगती है तो यह भ्रिष्टाचार का जो प्यो हैगा वो आम आदमी सरकार हैगी। साडू पंजाबियों तो पुछो वो सारे थानू पंजाब से जाके दसणगे। इन्ना वड्डा झूठ मारते ने, इन्ने लारे लाते ने, इन्नी गल्लां वड्डियां वड्डियां करते ने लेकिन सूबे नू बेच के कंगाल करते ने। सौ अठ साल पहले 7 साल पहले पंजाब जे 10 साल श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी, इस सरकार दे वेले जिथे 11-11 घंटे बिजली के कट लगते सीगे, लोगों नू औखियाई सी, नौकरियां नहीं सीगियां, कोई स्कूल हस्पताल कॉलेज कुछ नहीं बन रहा सीगा, ये कांग्रेस का राज सीगा। वो सरकार जब 2007 से श्रोमणी अकाली दल की आई तो मैनू दसते हुए खुशी होंगी है सर कि सर कि यह 2007 तो 17 से 10 साल साड़ी सरकार ने पंजाब नू बिजली डेफिसिट तो बिजली सरप्रस करता, 3 नवे थर्मल प्लांट बिजली के कट ही नहीं लगते सी, एहो जा 1500 किलोमीटर सड़कों का जाल बनाता, 4 से 6 लेन हाईवे पूरा पंजाब एक विकसित विदेश की तरह एक सूबा लगता है। सर 13 यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेज की उत्थे ISB की एम्स की हर तरह जब तुसी अज जे पंजाब नू जाके देखो कि जेड़ा कुछ उत्थे काम होया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, 28 स्टेडियम, सांझ केंद्र, सुविधा केंद्र, सर 1950 इंडस्ट्री आई, वो छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं, इन्फोसिस, ITC यहो जी वड्डी वड्डी इंडस्ट्रीज पंजाब च आए, 1000 नवे फ्लाईओवर, पीन दा पानी, एक खजाना जब एक ईमानदार सरकार दे कोल सीगा लोगों नू विकास भी दिख रहा सी, ते पावे आटे दाल दे कार्ड अज 80 करोड़ लोगों नू राशन मिलता है। सब तो पहले 2012 च पंजाब ने यह स्कीम लागू की, 34 लाख कार्ड उत्थे दे गरीबां नू दिते गए, पेनशन, शगन, मोटर दे कनेक्शन, 2.5 लाख नौकरियां। लेकिन सर 2017 च जब लोग भ्रिष्ट कांग्रेस की सरकार लैके आए, 5 साल से भ्रिष्ट कांग्रेस सरकार ने 1 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के सूबे के उत्ते चढ़ाता, लेकिन दवानी का काम विकास का पंजाब से नहीं होया, ना कोई हस्पताल, ना कोई स्कूल, एक इट विकास की नहीं लगी, एक नवा थर्मल प्लांट, एक नवा फ्लाईओवर, एक नवी सड़क तो ही नहीं बनी, बल्कि आ कह सकती हाँ इन्नी जबरदस्त लुट हुई। स अज कांग्रेस के पंजाब के प्रधान वो उत्ते बसा का घोटाला, जेड़ा इन्हों का मंत्री सेगा राशन वंडदा सी उहदे उत्ते राशन का घोटाला, दे जेल च ने अद्धे उत्ते केसेस रह गए, किसी के कोल सरकारी जमीन बेचण का घोटाला, किसी के उत्ते अज कोविड से जिहड़ी दवाइया आईया सी PPE किट वह भी कबला करके SC बच्चों की स्कॉलरशिप भी तक कांग्रेस खा गई। 1 लाख करोड़ एक चीज़ लोगों नू नहीं मिली, एक विकास का काम ही लुट के सारी कांग्रेस खा गई। इस तो वड्डा भ्रिष्टाचार पंजाब ने कदे देखा नहीं कि इन्ना वड्डा बोझ भी पाता, इन्ना वड्डा 1 लाख का कर्जा भी चढ़ाता, सहूलत भी बंद करती, विकास भी ठप करता, तो लुट के ला गए। एक पास नशे बिक रहे थे, एक पास इलीगल माइनिंग चल रही थी, दूजे पास खजाने लुटिया जा रहा है। सब फिर आ गई इन्हों की भाईवाल पार्टी आम आदमी पार्टी, तौबा तौबा कन्ना नू हाथ लाओ, जेड़े भगवंत मान ते केजरीवाल की सरकार ने जेड़ा हशे पंजाब का किया है। सर टुडे यू विल बी शॉक टू नो पंजाब हैज अ डेट ऑफ 3.4 लाख करोड़ रुपीज, द हाईएस्ट इन द कंट्री, पूरे देश से सब तो वध कर्जाई जे कोई सूबा हैगा वो पंजाब हैगा। 48% ऑफ आर GDP अगेंस्ट द अलाउड 32.5%, वी हैव गॉट 48% ऑफ
we've got a debt of 48% against our GDP, all thanks to this Aam Aadmi Party. If Congress took 1 lakh crores in 5 years, put a debt, this Aam Aadmi Party has put 70,000 crore rupees of debt in Punjab in 2 years, sir. It is shameful ki jis tarike de naal is Aam Aadmi Party ne Punjab nu har pakhon lutya hega. 70,000 crore da karza chadata. ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, 1,000 ਰੁਪੀਸ ਟੂ ਐਵਰੀ ਵੂਮਨ, ਦਿਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਸੋ ਇਟਸ ਬੀਨ 2 ਈਅਰਸ, 24,000 ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਰੀਚ ਦ ਵਿਮੈਨ ਇਨ ਦੈਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਦੇ ਟੇਕਨ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਲੋਨ, ਨੋਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਰੁਪੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ, ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2500 ਦੀ ਸ਼ਗਨ, ਨਾ 2500 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਟਤੇ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰ, ਇਹ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਉੱਥੇ ਐਡ, ਸਰ 2 ਮਿੰਟਸ, ਸਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪੂਰੇ ਐਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਤਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ the military has had to go and complain to the courts ki border mein sare jo bridges hain wo bridge collapse karne lage hain, this is the state of affairs, why does environment ministry not do rampant illegal mining at the cost of this checkup, madam, sir, the liquor scam, sir 2 minutes, the liquor scam, sir, I want to know, sir, aap Punjab, the same policy of Delhi Kejriwal has implemented in Punjab, same identical policy, identical people, identical thing happening in Punjab in the liquor scam, here in Delhi the people have been caught and sent to jail, but the same thing is happening in Punjab till date and nobody is touching them. I was given an assurance in the parliament that they would be investigated, they have not been touched till date, so I appeal to the government that please stop our loot also, aur main sarkar nu aa bhi keh diya je Kejriwal nu phad lo ta phad lo sade Punjab de paise bach jaane, okay, thank you. ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਕਾਲਿੰਗ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ, ਪਲੀਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 45,000 ਕਾਲਸ ਵਰ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਸਕਿੰਗ ਫਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਜਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਨਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਲੂਟਡ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਜ਼ ਰੂਇਨਡ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਡ ਪੰਜਾਬ, ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ये चाहे भ्रष्ट कांग्रेस होए या महाभ्रष्ट आम आदमी पार्टी होए, देश की जनता इनसे बच के रहे, यही मैं निवेदन करती हूँ। थैंक यू।